लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के ही विधि करों अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। अर्थात भगवान राम के दर्शन आंखों को आनंद देने वाले हैं, उनका संपूर्ण स्वरूप आनंदित करने वाला है, लेकिन आज जो तस्वीर आई उससे आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक का सफल ट्रायल किया गया है। दर्पण के जरिए भगवान के मस्तक पर सूर्य की किरण डाली गई है। इस 1 मिनट 19 सेकंड के वीडियो में प्रभु श्री राम की जो छवि दिख रही है उस पर आप मोहित हो जाएंगे। वीडियो में सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर तिलक कर रही हैं। इस वीडियो में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास आरती उतारते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये एक ट्रायल है जिसमें वैज्ञानिकों की मौजूदगी में बालक राम का सूर्य तिलक किया गया है। ठीक इसी तरह 17 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। इस दिन उस दिन भगवान राम के जन्म उत्सव के दिन 17 तारीख को उसको जो ट्रायल हो चुका है उसी को ठीक भगवान की लीला में सूर्य का उदय और सूर्य का प्रकाश वो दिखाई देगा। यही प्रयास है वैज्ञानिकों को और वो बहुत ही मनोरम बहुत ही दृश्य अद्भुत दृश्य एक प्रकार से कहिए कि ये हो रहा है। ये तस्वीरें रामनवमी पर होने वाले सूर्य तिलक के ट्रायल की हैं, जिससे रामलला का मस्तक चमक उठा है। ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों मणियों ने प्रभु राम का श्रृंगार किया हो और ये चमक ऐसी ही है कि सब कुछ धुंधला पड़ जाए। इस मौके पर मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास भाव विभोर हो गए। उन्होंने वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि वैज्ञानिकों ने जिस तरह से प्रयास किया वो काबिले तारीफ और सराहनीय है। उन्होंने बताया कि त्रेता युग में जब प्रभु राम ने जन्म लिया था तो उस दौरान सूर्यदेव 1 महीने तक अयोध्या में रुके थे। त्रेता युग का वो दृश्य अब कलयुग में भी साकार हो रहा है। हर चीज के गान करने के लिए पहले ट्रायल होता है और उस ट्रायल में होता कि वस्तुतः है ये यथार्थ हो रहा है कि नहीं, देखने में कैसा लग रहा है। ट्रायल कर रहे थे उस समय हम यहाँ मंदिर में ही थे। वैज्ञानिकों ने जो किया है बहुत सुंदर है और बहुत ही अद्भुत है और देखने लायक है कि देख करके लोग आनंदित होंगे। भगवान रामचंद्र के सूर्य तिलक के लिए जो तकनीक अपनाई गई है इससे पहले पूरे भारत में कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। बात करें तकनीक की तो IIT रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये सिस्टम बनाया है। ये तकनीक सूर्य के पथ बदलने के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें एक रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण, 3 लेंस, पीतल की पाइप से किरणें मस्तक तक पहुंचाई गई हैं। सूर्य तिलक तय समय पर हो इसके लिए सिस्टम में 19 गियर भी लगाए गए हैं जो सेकेंड्स में दर्पण और लेंस पर किरणों की चाल बदलेंगे। इसमें भगवान राम का जन्म हुआ था उस दिन सूर्य स्वयं यहाँ 1 महीने तक यहाँ रुके हुए थे। मास दिवस का दिवस हुआ, 1 महीना का दिन हुआ और मर्म न जाने को इनको इसको कोई नहीं जानता कि कैसे सूर्य ही रात हुआ ही नहीं है। तो उसी प्रकार से जब सूर्य का किरण भगवान के इस मस्तिष्क पर वो प्रकाशित होगा तो अपने आप में विलक्षण अद्भुत होगा और ये सारे दृश्य रामनवमी के दिन भगवान राम के जन्म उत्सव के समय में दिखाई देंगे। साथ ही रामनवमी पर करीब 50 क्विंटल फूलों से राम मंदिर को सजाया जाएगा। देश और विदेश से करीब 20 तरह के फूल सजावट में इस्तेमाल किए जाएंगे। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन जिस तरह हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई थी उसी तरह रामनवमी पर हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा राम भक्तों पर की जाएगी। अब बस दुनिया भर के राम भक्तों को रामनवमी का बेसब्री से इंतजार है जब वो अपने इष्ट देव प्रभु राम के विशाल ललाट पर भगवान भास्कर को तिलक करते देखेंगे। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।